पानीपत से आए कलाकारों ने मंच पर भगवान कृष्ण के माध्यम से आओ मिलकर खेलें खेल नाम के गीत के माध्यम से कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करते दिखे। कार्यक्रम को आनंद से परमानंद तक पहुंचने में अब कुछ ही पल बचे थे। हसन हसैया कार्यक्रम में सबसे अधिक सतयुग दर्शन ट्रस्ट वसुंधरा के कलाकारों ने हिस्सा लिया। मंच पर इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए कलाकारों को दाद देनी पड़ेगी। कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे आनंद से परमानंद के बीच की दूरी भी कम होती गई। अगली प्रस्तुति में यही दर्शाया गया कि
कि रोने के दिन गए, सजन जी हंसने के दिन आए। और चरम तक पहुंचे माहौल में अब वक्त था ये वादा करने का कि हम खुश रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कार्यक्रम में लोगों के उत्साह को चरम तक पहुंचाने के लिए एक नायाब तरीका ये भी दिखा। और पीछे कार्यक्रम का अंत सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शक श्री सजन जी के ज्ञान रूपी वचनों से हुआ। मेरी सोच में रखा और कितना सकारात्मक है, आज नकारात्मकता छोड़ते जाना है, सकारात्मकता धारते जाना है, और वही धारणा जब हृदय में उतर गई तो समझो आप अपने मालिक स्वतंत्र रूप से हो गए।